तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग जो है बहुत जल्द मैथ का क्लास यानी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, और वर्कशॉप कैलकुलेशन के जितने भी प्रश्न हैं इसके जो साइंस के कराए गए हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि दो लेक्चर जो है हो चुका है साइंस का, है ना, यानी फिजिक्स का दो लेक्चर हो चुका है, और उसी वीडियो में मैंने बताया कि बहुत जल्द जो है मैथ का भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो रेगुलर वीडियो तो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि एक या दो दिन के अंतराल में जो है आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो हो सकता है कि कल जो है फिजिक्स का जो है चैप्टर मिल जाए, क्योंकि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे शायद मोशन चैप्टर का कर रहे थे, और उसका एक पार्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप साइंस को देखना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि आप इसरो का तैयारी कर रहे हैं, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन जो है बहुत मायने है इसमें, बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आप वर्कशॉप कैलकुलेशन के सवाल नहीं करेंगे तो आप रिजल्ट नहीं बना पाएंगे, और आपको बिल्कुल सरल और आसान लैंग्वेज में जो है मैथ समझाया जाएगा, जो कि जीरो लेवल से, क्योंकि आपको पता होगा कि मेंसुरेशन कितना इंपॉर्टेंट है। आप विक्रम साराभाई सतीश धवन का जो है अगर पेपर उठा के देख लेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं, तो और ट्रिगो हो गया तो ट्रिगो से भी पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है। तो इतने अच्छा बिना हम लोग जहाँ तक है बिना फॉर्मूले की पढ़ने की कोशिश करें, बहुत लोगों को होता क्या कि फॉर्मूला याद नहीं होता, लेकिन अगर आपको बेसिक अच्छे से बेस आपको अच्छे से याद है तो आप अच्छे से कवर कर ले जाएंगे, सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे, है ना। तो आपको बिल्कुल बेसिक से और जो है सरल भाषा में समझाया जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ से ऑलरेडी लिख के रखा है तो इसका कोई यूज है ही नहीं, फिर भी आपको समझाने के लिए, ठीक है। बाकी बिना फार्मूले के करने वाले हैं हम लोग, और ये फार्मूला नहीं है, बस यही जो है फार्मूला है ही नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है और इसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसरो के एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी, जैसे भी कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले जो है चैनल पे वीडियो भी अपलोड हो जाता है। तो अगर आप एक क्लास करना चाहते हैं और इसी प्रकार का इसरो संबंधित सेल हो गया, डीआरडीओ हो गया, इससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, उसका अपडेट देखना चाहते हैं, तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जो पहली बार आए हैं, और साथ में जो घंटे का आइकन होता है उसको भी दबा लेंगे, क्योंकि उसे आप नहीं दबाएंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन पता नहीं चलेगा, और नोटिफिकेशन जब पता नहीं चलेगा तो सही आप प्रॉपर टाइम पे आपको जानकारी नहीं मिल पाती, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज। और हाँ, इस आपको जो वीडियो में व्हाट्सएप ग्रुप और जो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वहाँ चले जाइए, क्योंकि ये चीज़ जो है मैं ये देखते हैं कि पूरे पीडीएफ के फॉर्म में इसे बनाया है, तो ये आपको जो है वहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे जरूर जाके ज्वाइन हो जाए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना। अगर पीडीएफ चाहिए और जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सारे का पीडीएफ जो वहाँ अपलोड हो, पीडीएफ के फॉर्म में जितना भी होता है सारे को वहाँ जो है अपडेट कर देते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज जो हम लोग मैथ में जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन के मैथ में जो डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन का, है ना। तो काफ़ी लोग अच्छी तरह से मेंसुरेशन जो है जानते होंगे, समझते होंगे, फिर भी मैं जीरो लेवल से जो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसे हिंदी में जो कहा जाता है, हिंदी में से क्षेत्र मिति कहा जाता है ना, तो हिंदी में से क्षेत्र मिति कहा जाता है, और इसे अपन जो है 2D के अंतर्गत लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंसुरेशन जो होता है कितने टाइप का होता है, मतलब देखिए एक होता है 2D, ठीक है, और दूसरा होता है 3D, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे ये सर ये तो मूवी वाला 2D 3D है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए 2D के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, जैसे स्क्वायर हो गया जिसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, वर्ग हो गया, ठीक है, और फिर आपका आयत हो गया, और फिर जो है वृत्त हो गया आपके अंदर या 2D के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों होता है कि जिसका सिर्फ और सिर्फ यानी परिमाप पेरीमीटर और विकर्ण क्षेत्रफल निकाल सकेंगे उसे 2D के अंतर्गत रखेंगे, और जिसका आयतन भी निकाल लेंगे उसे जो है 3D के अंतर्गत रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो एक बेलन हो गया, ये 3D के अंतर्गत आ जाएगा, शंकु हो गया, ये 3D के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार बहुत से ऐसे चीज़ है जो 3D के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो आप प्रॉपरली किसी वर्ग खेत को ले लीजिए, तो खेत जो आपका क्या है वो 2D के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसी प्रकार से और कई कई चीज़ें हैं, तो उससे आगे डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा कुछ समझना नहीं, बस यही समझना कि ये चीज़ें जो स्क्वायर पढ़ रहे हैं हम लोग 2D के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं जो है बिना फॉर्मूले से और साधारण और सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है, ठीक है। हल्का सा यहाँ अगर फिगर में कुछ मिस्टेक हुआ हो, आगे पीछे हो गया हो, शायद सही नहीं है, तो चलिए हल्का सा मैनेज कीजिएगा। और वैसे भी मैं जो चीज़ें लिखूंगा, क्योंकि वो माउस से पता होगा कि मेरे पास जो है अभी
लिखने वाला पैड मैंने नहीं लिया है, तो माउस से ड्रॉ करता हूँ, तो हल्का सा चीज़ें आप लोग भी मैनेज करेंगे, है ना। बाकी बात, आपको बहुत अच्छा सामग्री यहाँ मिलने वाला है, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, इसके लिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करना है। और मेरा ये उम्मीद है कि आप जो है इसरो के प्रश्न इजी वे में सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है, जितने भी मैथ के प्रश्न आएंगे, ठीक है, सारा सारा चैप्टर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। तो अपन बात कर लेते हैं वर्ग के बारे में, यानी जो स्क्वायर होता है वर्ग क्या होता है। सबसे पहली बात कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, चीजें अच्छे से समझिए। वर्ग की जो चारों भुजा होती है आपस में बराबर होती है, ये चीजें क्लियर होना चाहिए। बोलिए ये क्लियर है कि नहीं, कि बहुत लोगों को पता भी होगा, पता क्या सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पिछली जो है कक्षाओं में वर्ग के बारे में जरूर पढ़ा होगा, है ना। तो इसकी क्या होती है कि चारों जो भुजा है चारों भुजा बराबर होता है, और इसकी भुजा को जो है ए से हम लोग जो है सूचित करते हैं, छोटी ए से। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि आप सर आपने ए ही क्यों माना, ठीक है, आप बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ जो है ए माना, ठीक है। तो इसकी चारों भुजाएं, सबसे पहली बात, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है, इसे ए से अभी सूचित करना है हम लोग, ठीक है। अब इसके विकर्ण होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण जो है ये, अगर ये इस कोने से लेकर मैं अगर इस कोने तक मिला दूं, इसे ही तो विकर्ण कहेंगे। इसका जो विकर्ण होता है, दोनों जो विकर्ण होता है वो भी बराबर होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जो इसकी भुजा होगी, ठीक है, वो इस विकर्ण की भी, जो इस भुजा की लंबाई होगी वो विकर्ण की भी, दोनों विकर्ण की भी लंबाई, और एक दूसरे को 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। इतना चीजें क्लियर है, कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे, इतना चीजें क्लियर है ना। चलिए अब सवाल ये है कि आप लोग पूछेंगे सर ये सब तो सही है, लेकिन सवाल इससे कहाँ कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं। तो इससे जो सवाल पूछे जाते हैं वो जो है आपसे जो है तीन टॉपिक से पूछे। सबसे पहली तो आप आपसे परिमाप पूछ लेगा, ठीक है, क्षेत्रफल पूछ लेगा, और उसके बाद विकर्ण, ठीक है। ये तीन चीजें का जो है कॉन्सेप्ट आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो वर्ग से जितने भी प्रश्न आएंगे एक भी प्रश्न नहीं रुकने वाला है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, कि एक भी प्रश्न जो है आपका रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अपन बात कर लेते हैं पेरीमीटर, यानी इसके परिमाप के बारे में, ठीक है। परिमाप इंग्लिश में पेरीमीटर कहेंगे, ठीक है ना। पेरीमीटर, परिधि, एक ही चीज है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे वृत्त में हम लोग बोल देते हैं कि परिधि क्या होगा, ठीक है, पेरीमीटर वही है परिमाप। अब देखिए परिमाप, जैसे कि नाम से ही पता है, परिमाप यानी परि मतलब पूरे की माप, ठीक है, ये पूरे की माप को परिमाप कहेंगे, यानी इसकी जितनी भी जो बाउंड्री है पूरे की। अब चलिए ऐसा समझते हैं, चलिए इसको ऐसा करते हैं, आप ये मान के चलिए कि ये जो है, इसमें मिटा दे रहा हूँ हल्का सा, ठीक रहेगा समझाने में, है ना। चलिए वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए मान के चलिए ये एक, अब माचिस की तिल्ली तो आप लोगों ने नॉर्मल देखी होगी, घर में सबके घर में होते हैं, है ना। तो इस ये मान के चलिए कि ये जो है चार माचिस की तिल्ली ली है हमने, किस प्रकार से, एक ये हमारा माचिस की तिल्ली है, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, और चौथी ये है। इस प्रकार से हम लोगों ने ऐसे सटा के रखा है कि इसे एक वर्ग का रूप दे दिया, क्या समझे, कि चार माचिस की तिल्ली ली है हम लोगों ने और इसे इस प्रकार से सटा के रखा गया कि इसे एक वर्ग का रूप दे दिया गया है, यानी एक वर्ग के रूप में जो है हम लोग इसे सटा के रखे हैं। अब मैं कहूँ कि जो एक माचिस तिल्ली की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझेंगे, एक माचिस तिल्ली की जो लंबाई है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों अगर मैं एक माचिस तिल्ली की लंबाई 10 सेंटीमीटर कह दूं, तो आप क्या यह कह सकते हैं सर इसकी भी जो लंबाई, ये वाली सेकेंड वाली माचिस की लंबाई होगी, माचिस तिल्ली की लंबाई होगी वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है यहाँ जो तीसरे नंबर पे जो माचिस की तिल्ली है इसकी लंबाई कितना होगा, ये आप कहेंगे सर ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये वाला भी, ये भी 10 सेंटीमीटर। कैसे, मैंने पहले ही बताया था कि इसकी जो है चारों भुजाएं बराबर होती है। जरूरी है क्या ये मेंशन करना, जरूरी है क्या कि अगर मैं कह दूं कि किसी वर्ग की एक भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है, तो आप ये समझ जाएंगे ना कि एक भुजा, इसके मतलब चारों भुजा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके जो है भुजा जो है आपस में चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये चीज कभी कभी सवाल में ऐसा पूछ भी देता है कि किसी वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप बताओ, क्षेत्रफल बताओ। तो एक भुजा की अगर बात करें, कहने का मतलब चारों भुजा, क्योंकि हम जानते हैं क्या चारों भुजा जो इसके बराबर होते हैं, अगर एक भुजा 10 सेंटीमीटर की, तो दूसरे भुजा 10 सेंटीमीटर, तीसरे भुजा भी 10 सेंटीमीटर, चौथे भुजा भी 10 सेंटीमीटर। बोले इसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। ओके
अब रही सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पेरीमीटर यानी परिमाप। परिमाप की सबसे पहले बात कर लें तो मैंने क्या बताया कि जो परिमाप होता है, परिमाप मतलब क्या, पूरे की माप, यानी पूरे की माप जो इसकी पूरी बाउंड्री है। ठीक है, हमने कितनी माचिस की तिली ली है, चार। आप कहेंगे सर चार, हमने चार जो है माचिस की तिली कुछ इस प्रकार से ली है। ठीक है ना, यहाँ सबका साइज बराबर है, आप ऐसे नहीं समझेंगे कि अलग अलग है, हल्का सा जो है माउस से ड्रॉप किए हैं, है ना। तो इसकी पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर जैसे कि मैंने कहा कि जो है इस पूरे की माप होती है, यानी इसका पूरा बाउंड्री होता है। मैंने कितनी माचिस की तिली ली है, चार ली है। एक माचिस की तिली की लंबाई कितना, 10 सेंटीमीटर। दूसरे की लंबाई कितना, 10 सेंटीमीटर। तीसरे की भी लंबाई कितना, 10 सेंटीमीटर। चौथे की भी लंबाई 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग में चारों भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, एक की बात करें, दो की बात करें, तीन की बात करें, आपको सबको जो है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये बात मुझे पता है कि इसके जो भुजा होते हैं वो जो है आपस में बराबर होते हैं। यानी कोई अगर 10 सेंटीमीटर का तो सभी 10 सेंटीमीटर, कोई 15 सेंटीमीटर एक की बात करे तो सारे 15 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ अपन पेरीमीटर की बात कर रहे थे, परिमाप का, इसका परिमाप के बारे में पूछा गया। परिमाप में जितना भी एक माचिस की तिली की लंबाई है, तो यानी कहने का मतलब सारी माचिस की तिली की लंबाई कितना है, 10 10, है ना। तो सभी को मैं अगर ऐड कर दूं तो वही तो परिमाप हो जाएगा, वही तो पेरीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं। ओके, तो प्यारे साथियों मैंने क्या कहा कि इसकी अगर पूरी पूरी बाउंड्री को अगर ऐड कर दे, पूरी बाउंड्री को माप ले, तो यही हमारा पेरीमीटर। तो एक एक हो गया, एक इसकी पूरी, मान के चलिए इसे एक सीधा कर देते हैं। ठीक है, माचिस की तिली को सीधा कर लेते हैं तो उसकी क्या हो जाएगी, पूरी लेंथ टाइप की आ जाएगी। यानी कहने मतलब ये एक वर्ग के रूप में है, तो एक बाउंड्री के रूप में है, तो एक बाउंड्री की लंबाई 10, दूसरी की 10, तीसरी की 10 और चौथी की 10, तो टोटल लंबाई कितना, 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यही तो परिमाप हो गया, यही परिमाप हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इसकी पूरी बाउंड्री को काउंट कर ले, यानी जो इसकी पूरे की माप, यानी जो परिमाप मतलब पूरे की माप, यानी चार माचिस की तिली है, चारों की माप कितना हो जाएगा, एक 10 का तो चार कितना, 40 का। अब देखो, अब यहाँ एक 10 का, एक 10 का तो चार कितने का, चार कितने का हो जाएगा, 40 का, है ना, 40। यही यही चीज जो इसी इसी को जो है फॉर्मूला का नाम दिया गया है। मैंने यहाँ क्या बताया कि इस वाले भुजा को आप ए से सूचित करते हैं, तो ये वाला को भी क्या ए से, ये वाला को भी क्या ए से, और ये वाले को भी क्या ए से करते हैं ना। तो यहाँ जो फॉर्मूला लिखा गया है कि परिमाप जो पेरीमीटर का फॉर्मूला था, वो कहता है 4 × भुजा, यानी 4 × ए, ए को भुजा बोलते हैं, तो 4 × ए, ये चीज 4 × a दिया गया है। तो 4 × a यानी 4 में, मैं अगर a का यहाँ वैल्यू दिया गया, a का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर। मैं अगर a में जो है यानी 10 सेंटीमीटर 4 की गुना कर दूंगा, तो यहाँ पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा पेरीमीटर निकल के। ओके, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यहाँ तो हम लोगों ने पेरीमीटर के बारे में बात कर लिया। ठीक है, अब जो इसका अगला पॉइंट होता है वह क्षेत्रफल होता है। तो प्यारे साथियों, क्षेत्रफल जैसे कि हम लोगों को पता है, इतना दिन से हम लोग इंसुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्षेत्रफल पता है कि क्षेत्रफल कोई भी चीज़ का लो ले, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, होता है कि नहीं, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो सिंपली इसका इसका भी जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। अब मैं इसे जो है ए से सूचित करता हूँ, तो बाकी बात सारे ए से ही सूचित करना होगा, क्योंकि सभी आपस में बराबर है, किसी को जो है भेदभाव नहीं कर सकते, किसी वर्ग में किसी के साथ भेदभाव नहीं। अगर एक के साथ एक को ए बोलते हैं तो दूसरे को भी ए बोलेंगे, क्योंकि लंबाई सेम है ना, सब कुछ सेम है। ओके, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब मैं इसे a × a कर दूं, तो इसे बोल सकते हैं क्या, ए स्क्वायर बोल सकते हैं क्या, बोलेंगे आप लोग बोलेंगे बिल्कुल सर बोल सकते हैं। वही चीज़ है, क्या यहाँ क्या किए हैं, लंबाई और चौड़ाई में गुना किए हैं, तो वही ए स्क्वायर निकल के आ गया। तो इसकी इसका जो क्षेत्रफल का जो एक कॉन्सेप्ट बोलिए, फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट जो होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, या फिर इसे हम ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ कितना लिए थे, 10 सेंटीमीटर लिए थे। अब 10 सेंटीमीटर लिए थे इसका भुजा, एक भुजा को, यानी सारे भुजा जो है कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। इसकी लंबाई की क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 10 × 10 यानी लंबाई गुने में चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर² बताओ। ओके, तो क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट इजी है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है बात कर लेते हैं इसके विकर्ण के बारे में। ठीक है, कि विकर्ण क्या होता है। ओके, तो
इसके विकर्ण के बारे में, विकर्ण क्या होगा कि एक कोने से यहाँ दूसरे कोने में आ गए। ओके नए वाल घसा सही कर लेते हैं। चलिए हल्का सा सही तो नहीं हो रहा है, हल्का सा माउस से तो इसे समझेंगे और क्या, हल्का सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है चलिए, तो विकर्ण यही वाला तो इसका विकर्ण कहलाता है, यानी जो है एक कोने से दूसरे कोने को मिला दें इस प्रकार से, यानी जो है तिरछी, इसे ही विकर्ण कहेंगे। अब देखो इसकी जो है भुजा कितना माने थे, 10 सेंटीमीटर करके माने थे, यानी एक को 10 सेंटीमीटर माने, बाकी बात सारे अपने आप खुद ब खुद 10 हो जाएगा। ये तो समझ सकते हैं कि चारों भुजा जो आपस में बराबर होता है ना। चलिए तब अब जो है आप लोग ये वाला फिगर को गौर से देखिए, यहाँ से तब कुछ समझ में आएगा है ना। ये वाले फिगर को आप लोग गौर से देखिए ऐसे और ऐसे, देखिए ये एक प्रकार से ट्रायंगल बन रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ जो है इस प्रकार का दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, बिल्कुल इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है एग्जैक्ट मैं फिगर तो सही नहीं बना पा रहा हूँ, बट समझने की कोशिश करेंगे आप लोग है ना। तो कुछ इस प्रकार से अब देखिए, ये वाला साइड का भुजा पता है, ये वाला साइड का भुजा पता है कि ये 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर यहाँ यहाँ देखिए, ये नीचे वाले जो है ये वाला जो है ये वाला आधार हमको पता है कि ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है अब ये क्या, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या आधार हो जाएगा है ना, ये लंब और कर्ण और ये आधार हो जाएगा। तो सॉरी ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा है ना। अब दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुका है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। बोलिए पाइथागोरस प्रमेय है ना। तो चलिए इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, आई होप कि आप लोग समझ भी रहेंगे और अच्छे से इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है अब देखिए, यह लंब पता है कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसा नहीं करते हैं, हल्का सा डायरेक्ट लिख लेते हैं ठीक है ना, तो सही ज्यादा क्लियर रहेगा। तो यहाँ इसके जगह 10 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर प्लस में आधार कितना है, 10 है, स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी 100 सेंटीमीटर। अब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। अब इसे हल्का सा सजा के लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर को इधर लिख देते हैं, बराबर ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ से खत्म करते हैं, स्क्वायर खत्म करते हैं यहाँ से। ओके चलिए स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके रूट हो जाएगा, और रूट में कितना हो जाएगा, 100 प्लस और 100 200, कितना हो जाएगा, 100 प्लस और 100 200 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो इसे इसे हल्का सा जो है छोटा कर लेते हैं, इसे हल्का सा छोटा कर लेते हैं, क्या छोटा कर लेते हैं, के बराबर जो है इसके रूट के अंदर में जो इसको हल्का सा जो है छोटा कर लेते हैं, 100 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके अब यहाँ 100 का जो है रूट से 10 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, बच क्या जाएगा, रूट के अंदर में 2 बच जाएगा। अब प्यारे साथियों अब यहाँ से जो है इसका जो विकर्ण जो फाइंड आउट हुआ वह कितना हुआ, 10√2, यानी हमें जो है ये वाले भुजा की लंबाई चाहिए थे, ये मिल गया, कितना मिल गया, 10√2 मिल गया है ना। कुछ बात समझ में आई, अब यहाँ से कुछ बातें समझ में आई, यहाँ से बिल्कुल समझ में आए, क्या समझ में आए कि दोस्तों अगर मैं भुजा में √2 की मल्टीप्लाई कर दूं, भुजा में √2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो वही तो हमारा विकर्ण कहलाएगा। कैसे, यहाँ भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर है ना, और 10 सेंटीमीटर में यहाँ क्या हुई, विकर्ण निकल के क्या आया, 10 10 × √2 आया। कहने का मतलब अगर मैं भुजा में सिर्फ √2 की मल्टीप्लाई कर दूं, √2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, निकल के विकर्ण आ जाएगा, बिल्कुल
वही जो इसका फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला लिख दिया जाता है बुक सब में, क्या लिख दिया जाता है? हाँ, √2 × भुजा, ये तो लिखा जाता है। विकर्ण बताओ, वर्ग का विकर्ण बताओ, तो √2 × भुजा। बताओ कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? अब सिंपली अगर मुझे भुजा पता है तो वहां मैं √2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो विकर्ण आ जाएगा, निकल के आ जाएगा ना। तो चलिए, ये चीजें तो हो गई कि ये फॉर्मूला बेस, तो आपको सॉल्व कैसे करना है बिना फॉर्मूला के, ये सारी चीजें ये मैं समझाने के लिए जो है हल्का सा देना होता है, क्योंकि नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे सर ये आपने डायरेक्ट कहाँ से कर दिया, ये कौन सा ट्रिक है। क्योंकि आगे आपको एक से बहुत सारे ऐसे जो है एक का से एक ट्रिक मिलेंगे, तो आप फिर बोलेंगे डायरेक्ट सर आपने तो ऐसे किसी तरह ऐसे कर दिया। तो इसका जो बेस है चीजें समझना जरूरी है तो सही रहता है, फिर आपको ये भी नहीं लगेगा कि कहाँ से आ गया। तो हम लोग जो है प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी तीन ही जो इसका कॉन्सेप्ट है, और बाकी बाद देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से सॉल्व करना है इजी लेवल के, और जितने भी है लगभग कहीं ना कहीं जो इसरो और कोई भी टेक्निकल एग्जाम से पूछे गए वहीं से प्रश्न उठाए गए हैं, है ना। और लगभग लगभग प्रश्न जो है वहां से मैच करते हैं, जिस गुरुजी के पास मैंने पढ़ा था वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो चलिए, अब यहाँ सवाल में पूछा गया है कि एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एक वर्ग है, परिमाप दिया हुआ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेंसुरेशन, देखिए मेंसुरेशन को अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बात जो है दिमाग में बिठा लीजिए कि जिसका जो चीज दिया रहे उसका कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, जो चीज दिया रहे उसी का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले चलिए ऐसे समझते हैं इसको अच्छे से, क्योंकि फिगर के माध्यम से जो है ना चीजें अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ क्या है कि एक वर्ग का परिमाप जो है 40 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब परिमाप दिया गया है, ठीक है, यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ जो है परिमाप ऑलरेडी दिया गया है। कितना परिमाप दिया गया है? 40 सेंटीमीटर, सॉरी 40 मीटर, जो भी हो, ठीक है ना, 40 मीटर यहाँ जो है परिमाप दिया गया है। अब परिमाप मैंने क्या बताया पहले कि परिमाप दोस्तों जो है पूरे की माप होती है, यानी ये माचिस की तिल्ली है ना, पहले मैंने बताया था कि माचिस की तिल्ली, चार माचिस की तिल्ली, एक माचिस की तिल्ली, ये दूसरी माचिस की तिल्ली, और ये तीसरी माचिस की तिल्ली, और ये चौथी माचिस की तिल्ली। अब ये जो चारों माचिस की तिल्ली की जो बाउंड्री है वो कितना है? 40 मीटर दिया गया है ना। तो जब चार माचिस की तिल्ली, यानी कहने का मतलब ऐसे करते हैं, टी लिखते हैं तिल्ली को, चार तिल्ली बराबर 40, चार तिल्ली बराबर 40, तो एक तिल्ली बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर चार से ये 10 बार में गया, 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 10 बिल्कुल हो जाएगा। जब मुझे एक तिल्ली का वैल्यू पता चल गया, एक तिल्ली का वैल्यू लोग फाइंड आउट कर लिए, तो चारों का पता चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि इसके तो सभी भुजा बराबर होते हैं। तो जब एक इसका पता चल गया 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। बताओ कहाँ दिक्कत है, किसको बताओ भाई, किसको दिक्कत है? या फिर आप कॉन्सेप्ट लगाइए, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है? 4 × भुजा, 4 × में ये बराबर कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा? 40/4, 4 से कितना बार में जाएगा? 10 बार में, ये बराबर कितना निकलेगा? 10, यही तो ये बराबर निकल गया यहाँ, ये भी ये, ये भी ये, ये भी ये। बताओ भाई कुछ दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। चलिए, अब जब मुझे भुजा पता चल गया, यानी हम लोगों को जब भुजा एक भुजा की लंबाई मिल गई, तो एक भुजा की लंबाई मिलने के बाद हम लोग चारों भुजा को फाइंड आउट कर लेंगे, सॉरी मतलब जान लेते हैं कि इसकी जो है चारों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है ना। तो चारों भुजा जब आपस में बराबर होती है तो ठीक है, जब चारों भुजा बराबर होती है तो एक एक का भुजा पता चलने के बाद जो है सारा मतलब पूरे, यानी जो चारों चारों भुजा की जो है माप पता चल जाती है ना। अब यहाँ जब जो है जब ऑलरेडी मुझे भुजा ज्ञात हो चुका है कि एक भुजा की लंबाई क्या है, तो यहाँ पूछा है वर्ग का जो है क्षेत्रफल क्या, तो क्षेत्रफल क्या लंबाई में गुना कर, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दो, क्षेत्रफल तो निकल के आता है, आता ही नहीं आता है। या फिर आप इसे कहेंगे जैसे मैंने बताया था, आप इसे ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो सिंपली आप 10 × 10 कर देंगे, यानी लंबाई गुना चार, या फिर 1 × कर देंगे, 2 बार गुना कर देंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। बताओ भाई किसको दिक्कत है? अगर यही यहाँ
ओके अगर यहाँ विकर्ण की बात करता, विकर्ण की बात करता तो विकर्ण का क्या कॉन्सेप्ट बताया जाए कि भाई जो भुजा है उसमें रूट टू की मल्टीप्लाई कर दो, विकर्ण निकल के आ जाएगा। अब यहाँ भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर है, जो भी हो 10 मीटर है, इसमें रूट टू की मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो विकर्ण निकल के आ जाएगा। चीजें क्लियर है या नहीं? चलिए ओके, अब दो नंबर, दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, एक वर्ग का विकर्ण 15√2 है, यानी इस प्रकार से है, इस प्रकार से है ना, एक वर्ग का विकर्ण 15√2 है, सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाण ज्ञात करना है। अब देखिए एक वर्ग है, फिगर बनाइए, सबसे पहले फिगर बनाइए, ठीक है ना, उसके बाद जो है चीजें आसान हो जाती है, तो फिगर बनाए रहेंगे तो चीजें आसान लगेगा। इसमें देखिए क्या कि एक वर्ग का विकर्ण, विकर्ण किसको बोलते हैं, विकर्ण ये वाली भुजा को तो बोलते हैं, पता तो नहीं ये लाइन सही क्यों नहीं जा रहा है। ड्राइंग मेरा बहुत खराब था। ओके तो इस वाली भुजा को ही तो विकर्ण बोलते हैं, तो या और या इसका जो वैल्यू दिया गया है कितना दिया गया है, 15√2 दिया गया था, दिया गया है ना, तो इतना दिया गया है। अब आप मेरी पिछली बातों को याद करें कि मैंने विकर्ण के बारे में क्या कहा था, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ क्लियर। मैंने कहा था दोस्तों कि अगर मैं भुजा में √2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा विकर्ण निकल के आता है, आता कि नहीं आता है, कहा था कि नहीं ऐसा मैंने। ओके तो प्यारे दोस्तों यहाँ आप अच्छे से देखेंगे कि यहाँ जो है किसी में √2 में जो है किसी का मल्टीप्लाई हुआ है, किसका मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप कहेंगे सर 15 का, 15 का हुआ कि नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ। तो प्यारे साथियों भुजा मैंने क्या कहा था कि अगर आपको विकर्ण निकालना है तो आप जो है भुजा में √2 की मल्टीप्लाई कर दे तो वो विकर्ण हो जाता है, विकर्ण निकल के आता है। तो इसमें 15 में √2 की मल्टीप्लाई है तो ये हमारा विकर्ण है कि नहीं। अब यहाँ मैं भुजा बोलूँ, भुजा की बात करूं तो भुजा आपका 15 निकल के आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। ओके चलिए अब जब मुझे भुजा पता चल गया तो हम लोग सब इजी वे में सब कुछ निकाल सकते हैं, अच्छे से निकाल सकते हैं, क्योंकि भुजा पता इसका जो मैन होता है हम लोग का मकसद कि भुजा निकालना, वर्ग का भाई एक भुजा पता कर लेना, बाकी बात तो अपन कुछ भी निकाल देंगे, है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पूछा गया कि क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा, क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल क्या होता है कि भाई लंबाई में चौड़ाई का गुना कर दो भाई तो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, नहीं या तो फिर आप इसे ऐसे कर सकते हैं भुजा स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 15 × 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। भाई बताओ ये क्षेत्रफल निकल के आया कि नहीं आया, क्षेत्रफल निकल के आया कि नहीं, बिल्कुल आया। ओके चलिए अब जो है यहाँ परिमाप, परिमाप मतलब क्या, परिमाप मतलब क्या बताया था आपको, आप लोगों को कि दोस्तों परिमाप जो है, परिमाप यानी पूरे की माप, ये बाउंड्री होती है, बाउंड्री होती है कि नहीं होती है। अब भाई चार माचिस की तिल्ली मिलके बनाया है एक वर्ग, एक माचिस तिल्ली की लंबाई 15, तो चार की कितनी, एक की 15, चार की कितनी, आप लोग ऐसे बोल देंगे सर पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, 60, बताएंगे कि नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे कि सर 60 हो जाएगा। तो कैसे देख लेते हैं हल्का सा, किसी को आदत होती है फॉर्मूला रटने की, देख लेते हैं। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या आता है, 4 × में भुजा, 4 × में भुजा यानी 4 × में से ए बोलेंगे, है ना, तो ए कितना निकला है, ए भुजा कितना 15, 4 में 15 का मल्टीप्लाई करने कितना निकल के आएगा, 60 निकल के आएगा। तो यहाँ प्यारे साथी हमसे क्या पूछा गया था, एक तो क्षेत्रफल क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है, उसके बाद परिमाप ये भी निकाल लिया है, तो यही चीज तो पूछा गया था, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 225, परिमाप कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बताओ। चले आगे, जिसको चीजें समझ में नहीं आ रही है वो कमेंट में बताएंगे कि कौन सा चीजें समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अगले वीडियो में जो है उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके अगला प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न है, अगला है एक वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर बढ़ा दी, अच्छा हल्का सा मिस्टेक हुआ है,
बढ़ा दी जाए, ठीक है, बढ़ा दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब देखो भाई, हल्का सा अलग आ गया, टाइप चेंज हो गया। और ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 20 सेंटीमीटर, यहाँ हल्का सा मिस्टेक, देखिए इसमें पूरा मिस्टेक ही हुआ है क्या। 20 सेंटीमीटर दिए, देखिए ये जो है 20% बढ़ा दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। यानी कोई वर्ग की भुजा है, उसे 20 सेंटीमीटर जो है, यानी कोई वर्ग की भुजा है, ठीक है, अपन यहाँ सारी भुजा की बात कर रहे हैं, एक भुजा की नहीं, क्योंकि हम जानते हैं इसकी चारों भुजा आपस में बराबर होता है ना। तो इसे जो है 20% बढ़ा, यानी मान के चलिए ये कोई 100 है, इसे जो है 120 कर दिया गया, है ना, 20 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, इसके जो क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो जाएगी कितने प्रतिशत का हो जाएगा, ये बताना है। तब चीजें को जो है ध्यान से देखिए, 20% की बढ़ोतरी कर रहे हैं, कैसे लिखेंगे, 20 ऐसे परसेंट में 100, अब परसेंट को हटा देंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा, ठीक है, 20 से कटाएंगे कितना, 1/5 हो जाएगा। अब देखो 5 में 1 की वृद्धि हो रही है, 5 में 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कितना कितना था लंबाई, मतलब जो पहले था कितना था, 5 था लंबाई, उसके बाद कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। हल्का से नीचे लिख लेते हैं, यानी कितना आया था, 1/5 आया था ना, 1/5, यानी 5 से कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, ये क्या लंबाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल के बारे में पूछा है तो इंटू में क्या होगा, चौड़ाई भी गुना होगा, चौड़ाई भी कितना 5 से, क्योंकि सेम होता है ना, इसका भुजा सेम होता है, 6 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, पहले पहले की जो भुजा की लंबाई कितना 25, अब बढ़ के कितना हो जाएगा 36, क्योंकि 20% वृद्धि कर रहे हैं, तो टोटल कितना बढ़ा, 11, 11 बढ़ा, कितने में, 25 में, तो 100 में कितना हो जाएगा, 100 में कितना हो जाएगा, प्रतिशत में निकालना है, 4 4 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा, 40%, यही तो वृद्धि होगा, इतने की नहीं वृद्धि होगी। अब कुछ जने को समझ में नहीं आएगा, कुछ जन को समझ में नहीं आएगा कि ये सर कैसे आप नहीं करते हैं, है ना। तो अगर आप लोगों का, अगर परसेंटेज आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को ही जी में पता होगा कि इस प्रकार से बहुत प्रश्न ऐसे हैं जो सॉल्व करते हैं, ठीक है। खैर आपको अधूरे में नहीं छोड़ने वाले हैं, इसका और 2 कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक तो ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, जिससे आप इजीवे में सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात आप ये चीज ध्यान में रखेंगे, कहीं भी बोल दे कि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो रही है या फिर जो है 25% की कमी हो रही है, कुछ भी बोल दे, ठीक है ना, आप एक फार्मूला, रामबन फार्मूला आप इसे याद रखेंगे, ए प्लस बी, उसके बाद यहाँ फिर प्लस माइनस ए इंटू में बी और बटा में, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ बटा में 100, ऐसे मिटाते हैं, बटा में 100, बताओ याद रहेगा, इतना सा याद रखना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है एक वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, ठीक है, सिर्फ 20 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जा रहा है, तो इसमें ए का काम भी 20 करेगा, बी का काम भी 20 करेगा, आप इसे ले लीजिए, 20 प्लस में बढ़ने की बात हो रहा है, सब कुछ प्लस में होगा, प्लस प्लस इंटू में 20 गुनी 20 बटे में कितना था, 100 था फॉर्मूले में, ये जाएगा कितना 5 बार में, ये 5 ये 20 कितना 4 बार में, 20 और 20 और 4 कितना हो जाएगा, 44 44, बताओ कोई दिक्कत है। चलिए अब किसी को ये चीजें भी समझ में ना आए कि सर कहाँ से ये डायरेक्ट फार्मूला वगैरह क्या है, ये भी नहीं समझ, चलिए इसका, इसको अब जो है अच्छे से समझते हैं, बेसिक से समझते हैं इसका जो है, और मुझे लगता है कि वही पसंद आएगा आप लोगों को, क्योंकि छोटे का निकालना तो आसान होता है लेकिन जब बड़े बड़े का दे देगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चलिए देखिए, क्या एक वर्ग की भुजा में 20% बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना। चलिए एक वर्ग है, और दूसरा वर्ग भी बना लेते हैं इस प्रकार से, चलिए इसे इग्नोर करेंगे,
बढ़ गए, है ना। एक वर्ग की भुजा को मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, भाई आप कुछ भी मान सकते हैं। मैं ये पहले बता दे रहा हूँ कि आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं 10 मान रहा हूँ। आपकी इच्छा था आप 15 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, जो भी इच्छा है, ठीक है, मैं 10 मान रहा हूँ। एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाती है, कहने का मतलब हम पहले जो मूल हम लोगों का जो मूल वर्ग था उसकी भुजा हमने 10 सेंटीमीटर बनाया, कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 20%। भाई 20% बढ़ा दें कितना हो जाएगा, भाई 10 का 20% निकाल लेते हैं, भाई कितना हो जाएगा, 10 का 20 बटे में 100, ये 20 ये 5 बार में जाएगा और ये 5 ये 2, तो कितना होगा, 10 का 20% कितना, 2, यही तो बढ़ा रहे हैं, यही 2 की वृद्धि कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 12 हो जाएगा, क्योंकि 20% की वृद्धि हुई है, 10 से 12। अब इसके जो ये बोल रहा है कि ये जो अंतर हो, ये 10 से जो 12 हो गया, ठीक है ना, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। भाई अपन अगर पहले वाला वर्ग की बात करते, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 गुनी में 10 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब जो यहाँ जब चेंज किए, जब 20% की बढ़ोतरी कर दिए, बढ़ोतरी करने के बाद अब जो भुजा आ गया मेरे, एक निकल के कितना आ गया, यानी भुजा जो कितना आ गया, और 12 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 12 × 12 कितना निकल के आ जाएगा, 144, 144 है, 144 आ जाएगा। कितने प्रतिशत की क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, 100 में 44, 144 में 100 गया, माइनस प्लस नहीं देखेंगे, ऊपर नीचे नहीं देखेंगे, कितना, आप कहेंगे सर 44। तो बताओ भाई इसमें किसको दिक्कत है, कोई दिक्कत है, आप किसी तरह से भी निकाल सकते हैं। मैंने तो इधर सॉरी मैंने इरेज कर दिया, तो मैंने इधर भी बता दिया आप लोगों को कि आप तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या फिर a+b वाला बताए थे उसे नोट कर लेंगे, आप वीडियो के पीछे जाएंगे, बैक में जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने मिटा दिया है, तो वहां से आप नोट कर सकते हैं फॉर्मूले को, जैसी आपकी इच्छा आप बना सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगे उसे रख लीजिए, है ना। अगला 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए। बताओ भाई इसे बताने की जरूरत है क्या, इसे बताने की जरूरत है क्या। अभी मैंने सेम प्रश्न, सिर्फ यहाँ 25 के जगह जो था 20 था, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, है ना, इसे मैं ऐसे रहने देता हूँ, कमेंट में देंगे आंसर, आंसर देखते हैं कौन देता है कमेंट में। चलिए अगला 5 नंबर का है, 5 नंबर का है, किसी वर्ग की विकर्ण 4√2 है, यानी इस प्रकार से है ना, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, क्या समझे, चलिए इसे समझाते हैं पहले। दो वर्ग बना लेते हैं सबसे पहले, ऐसे तो वर्ग अभी तक सही बना नहीं मुझसे, कोई बात नहीं, समझना है सिर्फ, है ना, कोई यूनिट मेजर मेजर लेके मापना तो है नहीं, स्केल लेके बैठे हुए हैं, मापना है वर्ग क्या, किसका भुजा कितना सेंटीमीटर, है ना। चलिए सवाल है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, यानी किसी वर्ग क्या भाई, हमने एक वर्ग बना लिया इसी में मान लेते हैं, इसका जो विकर्ण दिया गया है कितना दिया गया है, 4√2, ठीक है, इतना दिया गया है, इसी को ना विकर्ण बोलेंगे, ओके इसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। अब देखिए ये इसे ज्ञात करना है, क्या होगा, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग, इसे मान लेते हैं प्रथम वर्ग, इसे दूसरा वर्ग, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, ठीक है, यानी जो है दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग, इसका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल मान के चलिए, इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा इसका क्या होगा, 2 गुना होगा, किसका, इसका 2 गुना होगा, ये दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। ये चीजें आप प्रश्न ध्यान से समझिए, बोला जा रहा है कि प्रथम वर्ग का जो भी क्षेत्रफल निकल के आता है
यानी कहने का मतलब ये 100 निकल के आएगा तो इसका क्षेत्रफल 200 होगा, एक यही 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 बातें बोल रहा है। ओके ध्यान से प्रश्न देख लेंगे। तो अब भाई कुछ तो मिला नहीं हमको, हम लोग कुछ कोई क्लू मिला है क्या? ध्यान से देखिए, कोई क्लू मिला है क्या? बिल्कुल मिला है। क्या मिला है? क्योंकि यहाँ प्रथम वर्ग का व्युत्क्रम दे दिया गया। प्यारे साथियों, मैंने क्या कहा था आपसे कि दोस्तों अगर कहीं विकर्ण में अगर जो है अगर रूट टू की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा विकर्ण कहलाता है। तो भाई यहाँ रूट टू की मल्टीप्लाई हुआ है, देखो रूट टू की मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है? कहने का मतलब ये हमारा भुजा है, तब ये भुजा है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ये इसका भुजा पता चले, या फिर ऐसे इसका कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। पहले मैंने बताया था कि जो चीज दिया उसका कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट क्या, विकर्ण का कॉन्सेप्ट क्या होता है? रूट टू इंटू भुजा, यानी ए ए होता है ना, और ये चीज ऑलरेडी दिया गया कितना, 4 गुना रूट 2। अब रूट टू से रूट टू जाएगा, ए में क्या निकल के आएगा, ए बराबर 4। यही तो ए बराबर यहाँ 4 लिखे हैं, तो इतना करने की जरूरत है क्या? इतना करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है? अब यहाँ इसका भुजा जो है 4 पता चल गया, ठीक है? जब एक पता चल गया 4, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि लंबाई में चौड़ाई को गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब भाई इसका जो है ये प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। और यहाँ सवाल पूछा कि जो दूसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल, इसमें कुछ नहीं दिया, दूसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है प्रथम वर्ग के 2 गुना है, यानी प्रथम वर्ग 16, तो इसका क्षेत्रफल कितना, ये वाले सेकेंड वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना, 32। अरे भाई 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 ना, दुगुना है तो 32। अब जो है यहाँ जो है इसका क्षेत्रफल पता चल गया, लंबाई इंटू चौड़ाई पता चल गया कि ये 32, लंबाई इंटू चौड़ाई पता चल गया ये जो है 32 है। मैंने क्या कहा अभी, अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने कहा प्यारे साथियों कि अगर आप जो है जिस जो चीज दिया है जिस उसका कॉन्सेप्ट लगा दे तो वो जो है निकल के आ जाएगा, है ना? तो मैंने कहा था कि अभी यहाँ देखिए क्षेत्रफल ज्ञात है मुझे, सेकंड वाली वर्ग का क्या पता है, क्षेत्रफल पता है। क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, लंबाई से हम होता है ये भी है, ये तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ए स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 32 दिया है, ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर में 32 हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा बिल्कुल। तो अब ए का वैल्यू मुझे पता चल गया, यानी विकर्ण का वैल्यू पता चला, यानी इसका यहाँ का वैल्यू पता चल गया कितना, √32। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? जब ए पता चल गया कितना हो गया, √32, ये √32 तो ये भी √32, ये भी √32 और ये वाला भी √32, नहीं चारों भुजा बराबर होता है ना? अब इसका क्या, इसका पूछा गया है जिसका यहाँ क्या पूछा कि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना, इसका विकर्ण ज्ञात करना। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है भाई, विकर्ण में √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे वही तो विकर्ण आएगा, आएगा ना? तो यहाँ जो है भुजा में, सॉरी भुजा में √2 की मल्टीप्लाई कर दें तो वही विकर्ण आएगा। तो भुजा कितना, भुजा √32 है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, विकर्ण आएगा कि नहीं आएगा, निकले बिल्कुल आएगा, सॉरी भुजा में √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी करना होगा। तो √32 और √2 कितना हो जाएगा, √64, 64 हो जाएगा। अब भाई 64 को बाहर करेंगे तो इतना निकल के आ जाएगा, सिंपली 8 निकल के आ जाएगा। तो यही तो पूछा गया था कि दूसरे बार का विकर्ण क्या होगा, समझ में आया? किसको कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो प्रश्न नंबर मेंशन करके बताएंगे, ठीक है? जैसे 5 नंबर में दिक्कत है तो 5 को बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर का है। तो एक वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका विकर्ण की लंबाई का योग जो है 144 सेंटीमीटर है? एक वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसके विकर्ण की लंबाई का योग 144 सेंटीमीटर है? भाई देखिए ये हमारा वर्ग है, नहीं भी आई तो मानिए फिगर तो सही बन नहीं रहा। अब देख एक विकर्ण के परिमाप क्या होगा जिसका विकर्ण की लंबाई का योग, यानी लंबाई कुल जो है कुल विकर्ण लंबाई का योग कितना, 144 सेंटीमीटर दिया है। तो विकर्ण इस प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी 2 विकर्ण बराबर कितना दिया गया है, 2 विकर्ण, इसे डी डायगोनल बोलते हैं, 2t बराबर कितना दिया गया,
144, तो एक डी यानी एक डायगोनल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से भाग लग जाएगा, आप बोलेंगे 77। 77, अब भाई एक की लंबाई पता चल गया, दोनों की तो काम ही नहीं है ना। इसका ये वाला जो विकर्ण है ये कितना, 77। अब बताओ विकर्ण में मैंने क्या बताया था भाई, विकर्ण में भुजा में √2 की मल्टीप्लाई कर दे भाई तो विकर्ण आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ इसमें भुजा और √2 की मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, एक तो √2 की मल्टीप्लाई और एक भुजा यानी एक की मल्टीप्लाई होगा इसमें, है कि नहीं, कहा था कि नहीं मैंने, भुजा में √2 की मल्टीप्लाई कर दो भाई विकर्ण, कहने का मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है बिल्कुल। ओके तो अब यहाँ से सिंपली आप ये बराबर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 77 में √2, ये बराबर इतना निकल गया। हल्का सा इसे और सॉल्व कर लें क्या, और सॉल्व कर लें क्या, बिल्कुल कर लेते हैं, ऊपर भी √2 से गुना कर दें, नीचे भी √2 से गुना कर दें, परिमेयकरण कर दें। अब ये तो आपको पता ही होगा, अब ये भी बताना होगा, तो फिर चलिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 77 √2, और नीचे क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा भाई, √2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 4 को √2 से बाहर करेंगे 2 ही आएगा ना। चलिए अब ये जो है ये बराबर, यानी जो ये जो है ये पता चल गया भुजा, यानी ए बराबर ये चीज पता चल गया, कितना चल गया 77 √2 बटा में 2, ये एक 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 भुजा पता चल गया, तो बाकी बात सबका यही होगा, सब यही होगा कि नहीं। अब ये वाला सॉरी ये भी मिट गया, अच्छा चलिए अब ये वाला जो है 77 √2/2 है, तो ये वाला भुजा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये वाला भी तो वही हो जाएगा, क्योंकि भुजा तो सेम ही होता है वर्ग का, ये भी वही हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा। अब ये मुझे पता चल गया, तो बाकी बात अब चीजें आसान है निकालना। तो यहाँ क्या पूछा गया कि एक वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका विकर्ण की लंबाई का योग जो इतना है, अब परिमाप पूछा गया है, परिमाप पूछा गया, परिमाप में क्या, यानी पूरे की माप, अगर इसे हम लोग 4 बार ऐड कर देते हैं या फिर 4 √4 जो है गुना भुजा कर देते हैं, परिमाप निकल के आएगा, है ना। और यहाँ भुजा कितना है, भुजा हमारा 77 √2/2 है ना, तो कर देते हैं 4 × बहुत दिक्कतें होती है माउस से, अच्छा चलिए खैर कोई बात नहीं, 77 उसके बाद इंटू में कर देते हैं कितना था, √2 और बटा में 2, ये 2 से ये 2 बार में जाएगा 2, तो कितना 2 × 77 √2, यानी इसे आप कह सकते हैं 2 × 7 = 14, 14 तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 154 √2, 154 √2 यही तो निकल के आएगा आंसर, ये निकल के आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। तो बताओ इसमें किसी को दिक्कत, इतना चीजें इतना लेंदी आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं, जब आप बनाने लगेंगे तो अपने ये शॉर्ट हो जाएगा, इजी है, ठीक है ना। अब मैं इतना इतना करके लिखता हूँ, इतना लिखने की जरूरत है क्या, मैं डायरेक्ट ए बराबर इतना ना लिख दूँ, मैं डायरेक्ट ए बराबर इतना ना लिख दूँ, ये सब चीजें करने की जरूरत है क्या इतना। ओके तो आप जब बनाने लगेंगे तो हल्का शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है 7 नंबर की प्रश्न को चलते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, 2 वर्गों का परिमाप क्रमशः 40 तथा 32 सेंटीमीटर है, 2 वर्ग है, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे 2 वर्ग बना लेंगे, एक वर्ग ये है, परिमाप कितना है 40 से और 32 सेंटीमीटर, पैरीमीटर इसे पी से सूचित कर देते हैं, ठीक है। एक इसका पैरीमीटर कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और दूसरा वाला वर्ग यहाँ बना लेते हैं,
दूसरा वाला वर्ग यहाँ बना लिए। इसका परिमीटर कितना दिया गया, परिमीटर पी बराबर लिख देते हैं, परिमीटर कितना दिया गया है, 32 दिया गया, 32 दिया गया है ना। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है कि बोलता है कि उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। अब एक तीसरा वर्ग भी है, यहाँ जो है तीसरा वर्ग है। अब देखिए क्या पूछा गया है यहाँ, सबसे पहले जी ये पहला वर्ग है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। यहाँ जो सवाल में जो बोला जा रहा है कि ये वाला वर्ग का परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर है, दूसरे नंबर का कितना है, 32 सेंटीमीटर है। अब तीसरे वर्ग का जो है क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है ना, तीसरे वर्ग का परिमाप, इसका परिमाप निकालना है। इसका भी जो है पी बराबर निकालना है, पी बराबर वाट क्या होगा, पेरीमीटर निकालना है। जो इसमें इसमें तो कुछ दिया नहीं है, इसका क्लू ये है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है, ये दोनों वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, ये दोनों वर्ग का जो क्षेत्रफल का जो अंतर होगा, ये इसका क्षेत्रफल है। यानी इसका क्षेत्रफल अगर माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो जो निकलेगा एक्स वाई जेड, ये इसका क्षेत्रफल होगा। आप समझे, बिल्कुल। चलिए अब यहाँ से क्या, इसका पैरामीटर दिया, तो पैरामीटर क्या होता है भाई, पूरे की माप, परिमाप, पूरे की माप। चार माचिस की तिल्ली है, चार माचिस की तिल्ली है, चारों चारों का जो लंबाई कितना, 10 है, तो एक का कितना हो जाएगा, सॉरी, चारों का 40, एक का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि सब बराबर बराबर के होंगे। तो आप बोलेंगे सर ऐसे क्या होता है फॉर्मूला, 4 × a बराबर कितना दिया गया, 40, ए बराबर में कितना आ जाएगा, 40/10 काटाएंगे तो कितना, 4 ही निकल के आएगा ना। तो इसकी भुजा जो है 4, अब एक भुजा पता चल गया 4, तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। अब इसको इसी प्रकार से निकाल लेंगे, यहाँ 32 है, अब 4, 4 माचिस की तिल्ली बराबर 32, एक माचिस की तिल्ली कितना, आप कहेंगे 8 × 32, 8, 8 है ना, 8 हो जाएगा, ये 8, तो ये भी 8, नीचे वाला भी 8, ये भी 8। भाई किसी से कम कहाँ है कोई वर्ग में, है ना। चलिए इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या, ये पहले वाले वर्ग का, बिल्कुल निकाल, लंबाई में चौड़ाई को गुना कर दे, निकाल जाएंगे कितना निकल जाएगा, 64, सॉरी कितना निकल गया, 16। इसका निकल जाएगा 8 में, 8 में कितना, 64, इसका 64। अब देखो, अब पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल, ये पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल, ये दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, और इसमें इसमें माइनस कर दें, इसको इसमें माइनस कर देंगे, तो ये जो निकल के आएगा, ये क्या आएगा, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो निकाल लेते कितना निकल के आएगा, 64 में 16 घटाएंगे कितना निकल के आएगा, 36। अब जो 36 आया, ये 36 किसका है, ये तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है कि नहीं, बिल्कुल है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, लंबाई में एक गुना चौड़ाई गुना होता है, भुजा का स्क्वायर है 36, तो ए बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, रूट अंडर इधर जाएगा, 36 आएगा, तो रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, ए बराबर 6। अब इसका ए भुजा पता चल गया 6, ये 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। अब बताओ भाई कि इसका परिमाप, पेरीमीटर निकाल सकते, पेरीमीटर मतलब पूरे की माप, एक की 6 है तो 4 की कितनी होगी, 24, यही तो आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, बताओ आंसर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए किसी को कोई दिक्कत, अगला प्रश्न 8 नंबर का है। अब 8 नंबर की बात कर लेते हैं भाई, क्या है 8 नंबर में, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर वृत्त और बाहर वृत्त त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। यानी जो है एक वर्ग है, कुछ इस प्रकार से ना, तो इसका जो भुजा दिया गया है कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और बोला जा रहा है कि इसके जो है बाहर एक वृत्त बनाया गया है, तो एक बाहर वृत्त बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार से वृत्त बना होगा, इस प्रकार से, हाँ ठीक है, बाहर वृत्त है और एक अंदर वृत्त बनाया गया है, अंदर का वृत्त कुछ इस प्रकार से होगा,
पे ध्यान नहीं दे देंगे, है ना। थोड़ा सा फिगर ऐसे सही तो नहीं बन रहा है, कुछ इस प्रकार से सट की बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। पूछा गया कि अंदर वृत्त और बाहर वृत्त का त्रिज्या का जो अनुपात होगा वो कितना होगा। अब देखिए, अब यहाँ एक चीज दिमाग लगाने वाली बात है, ये पूरा कितना दिया गया है, इसकी जो लंबाई है, पेन चेंज कर लेते हैं, इसकी जो लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। भाई एक भुजा ये 14 सेंटीमीटर का है, तो बाकी इसके चारों भुजा क्या होंगे, वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, 14 सेंटीमीटर हो। अब देखिए, मैं यहाँ से बोलूँ कि यहाँ से अगर इसका आधा ले लें तो यह कितना होगा, आप कहेंगे ये 7 हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई तो यही तो चाहिए था हमको कि 7 से, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, यहाँ से कहीं से भी इसके, यहाँ से कहीं से भी इसे ले लें, इसे यहाँ से भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये इसे क्या कहेंगे, इसे त्रिज्या कहेंगे। छोटे वृत्त यानी जो अंदर में वृत्त है उसका त्रिज्या पता चल गया, त्रिज्या पता चल गया, क्योंकि इसे यहाँ से फिर ऐसे ऐसे पूरा यहाँ तक मिला देंगे इसे, तो ये कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और त्रिज्या क्या होता है, यहाँ वृत्त से जो कोई भी जगह से आप यहाँ आधा ले लीजिए, केंद्र तक ले लीजिए, तो वही तो त्रिज्या होता है, और ये चीज़ मुझे ऑलरेडी पता चल गया। ओके, अब बड़े वाले का क्या क्लू मिल रहा है, यहाँ से अगर मैं यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक अगर लूँ, ऐसे अगर मैं यहाँ से लेकर अगर ऐसे एक लाइन खींच दूँ और यहाँ मिला दूँ, तब मैं पूछूंगा इसकी लंबाई क्या, तो आप कहेंगे 14 सेंटीमीटर, क्योंकि सेमी तो होती है, ये वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा के बराबर है, सेमी तो ही होगा 14 सेंटीमीटर। अब मैं कोई लाइन ऐसा लूं कि मुझे कुछ क्लू मिल जाए, चलो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला लूँ, तो ये क्या निकल के आ रहा है, ये क्या हो रहा है, सर ये तो डायगोनल हो गया यानी विकर्ण हो गया। ये देखिए, ये वाला जो वर्ग है इसका विकर्ण निकल रहा है, ये वाला वर्ग का यहाँ से यहाँ तक विकर्ण। प्यारे दोस्तों, विकर्ण क्या होता है कि भुजा में √2 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ देखो भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, इसमें मैं √2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा विकर्ण निकल के आ गया। अब मुझे इसका तो यहाँ ये विकर्ण हो गई, इसकी यहाँ तक पूरी लंबाई मुझे चाहिए, क्या मुझे चाहिए यहाँ यहाँ आधा चाहिए, क्योंकि भाई इसका त्रिज्या तो ज्ञात करना है बड़े वाले का, छोटे वाले का पता चल गया 7 है, यहाँ देख लें 7 है, बड़े वाले का त्रिज्या चाहिए, तो यहाँ तक लेने तो कितना, इसे 2 से भाग कर देंगे आधा हो जाएगा, और बड़े वाले का कितना पता है, बड़े वाला कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा, सॉरी बड़े वाले कितना हो जाएगा, छोटे वाला कितना हो जाएगा, 7 है, कितना आ जाएगा इसे, रुकिए, क्योंकि अंदर और बाहर कहते हैं अनुपात यहाँ से बनेगा, अंदर वाला रेडियस कितना हो गया, 7 हो गया, बड़े वाला का कितना हो जाएगा, कितना निकाले थे, हाँ 14 में अगर √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये विकर्ण आ जाएगा, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो ये त्रिज्या वृत्त का त्रिज्या आ जाएगा, ठीक है। तो इसे कटाओ, 2 ये 7 कितना आ जाएगा, 7 अनुपात 7 √2। अब 7 से 7 चला जाएगा, क्या बच के आ जाएगा, 1/1 अनुपात √2, यही तो निकल जाएगा, यानी जो है अंतर वृत्त और बाहर वृत्त के त्रिज्या का अनुपात होगा वह 1/√2 हो जाएगा। बताओ तो किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, चलिए एक बार इसे और देख लेते हैं, देखिए दिक्कत है, एक बार और देख लेते हैं, रफ में समझेंगे, वैसे मिटा ही देता हूँ, फिर से समझ लें, ठीक है अच्छे से। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब शेयर भी जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना। तो क्या है कि एक वर्ग है कुछ इस प्रकार से, इसका जो भुजा दिया गया कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर दिया गया, इसके अंदर एक वृत्त है, सवाल में तो यही बोला जा रहा है कि अंदर एक वृत्त है, बिल्कुल, उसके बाहर में भी एक वृत्त है कुछ इस प्रकार से, है ना, अंदर वृत्त है बाहर वृत्त है इस प्रकार से। चलिए हल्का सा कलर चेंज कर दिए ताकि कि समझ में जो है अच्छे से आए, है ना। तो
ये जो एक वर्ग है 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है, इसका एक भुजा 14 सेंटीमीटर का है, यानी पूरी भुजा क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसके अंदर में एक वृत्त बनाया गया है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ अंदर में जो है एक वृत्त बनाया गया है ना, तो इसके अंदर में एक वृत्त बनाया गया है और इसके बाहर में भी एक वृत्त बनाया गया है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए कि ये वाला भुजा जो है 14 सेंटीमीटर, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कितना है 14 सेंटीमीटर। मैं अगर इसके आधे की बात करूँ, आधे की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, दिख रहा है नहीं, 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आधे की मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, चलिए 7 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि आधा 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 लेने से क्या होगा, क्या जो है छोटे वाले ब्रिज का जो है त्रिज्या पता चल जाएगा। तो छोटे वाला का कितना निकल के आ गया, छोटे वाला का निकल के आ गया 7 निकल के आ गया। अब देखिए, अब यहाँ ऐसा कोई ऐसा चीज ले कि ताकि जो है बड़े वाले की त्रिज्या निकालना है, क्योंकि दोनों के त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है। तो अगर यहाँ से मैं यहाँ यहाँ से क्लू मिल रहा है, यहाँ से अगर लेके एक सीधा लाइन जो यहाँ खींच दूँ तो ये क्या वर का विकर निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल वर का विकर निकल के आ रहा है। वर निकल के आ रहा है, वर विकर्ण का मतलब विकर्ण में क्या बोले थे कि जो भुजा है उसमें √2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो कर देते हैं भाई, भुजा कितना है, भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, इसमें √2 की मल्टीप्लाई कर दिए, बिल्कुल कर दिए, ठीक है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा 14√2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो मुझे जो लेना है या इसका रेडियस लेना है यानी त्रिज्या लेना है, जब त्रिज्या लेना है तो हमको तो चाहिए यहाँ से ये आधा ही चाहिए, इतना बिंदु से लेकर यहाँ तक आधा ही चाहिए ना, तो आधा चाहिए तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, ये आधा हो जाएगा, होगा गुना तो कर देते हैं, तो कितना 7 7 × कितना हो जाएगा, 7:2 कितना हो जाएगा 7, और √ में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√2, यही तो बचेगा, और यही हमें निकालना था। बताओ इसमें अब क्या दिक्कत हुई, तो कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 9 नंबर का प्रश्न है। और क्या है अगला सवाल है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका जो होगा जो 16 पाई, ठीक है, यहाँ पाई है, 16 पाई परिधि वाले वृत्त के अंदर में स्थित है। यानी जो है एक वर्ग है जो एक वृत्त के अंदर में स्थित है जिसका परिधि दिया गया है, इसका परिधि कितना दिया गया है 16 पाई दिया गया है, इसका जो परिधि है वृत्त का 16 पाई दिया गया है। अब हम लोग कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि ताकि जो है उस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा जो 16 पाई परिधि वाले एक वृत्त के अंदर है ना, तो ऐसा कुछ क्लू ढूंढते हैं कि ताकि जो है वर्ग का कुछ पता चल जाए कहाँ से। अगर यहाँ से कुछ लेते हैं तो नहीं पता चलता, अगर मान इसका अगर रेडियस पता कर लेते हैं, यानी एक त्रिज्या, पर त्रिज्या क्या होता है कि केंद्र से लेकर जो है वृत्त के केंद्र से लेकर किसी किसी बिंदु से लेकर जो है वृत्त के केंद्र बिंदु तक की मध्य की जो दूरी होती है वही तो त्रिज्या होता है ना। तो यहाँ से अगर रेडियस पता चले तो रेडियस हम लोग यहाँ से भी तो ले सकते हैं, कहीं से भी ले लेंगे, कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से ले लेंगे और इस पूरी लंबाई को यहाँ से आके मिला देंगे तो ये विकर्ण निकल के आएगा, विकर्ण निकल के आएगा कि नहीं, तो यही तो मुझे चाहिए था जो कि कुछ मिल जाए यहाँ से क्लू, और यही चीज मिल रहा है। तो सबसे पहले तो इसके लिए त्रिज्या जानना होगा, इसका रेडियस जो है क्या है, त्रिज्या क्या है। तो जो चीज मैंने पहले ही बताया था कि जो चीज दिया उसी का कॉन्सेप्ट लगा दे, तो वृत्त का परिधि कितना होता है, खैर अभी हम लोग वृत्त नहीं पढ़े, वृत्त के अंदर देखेंगे। तो वृत्त का जो परिधि होता है वह होता है 2 पाई में 2 पाई r, और ये इसका वैल्यू कितना दिया गया है 16 पाई दिया गया है, 16 पाई दिया गया है, तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या 2r बराबर में कितना आ जाएगा 16, r बराबर कितना हो जाएगा 16/2, कटेगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। निकलने का मतलब जो है r बराबर कितना निकल के आ गया 8 निकल के आ गया। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये कितना है 8 है, अगर जब यहाँ से लेकर आधे की दूरी 8 है, यहाँ पूरा मिला दूँ तो ये कितना निकल के आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये 16 निकल के आ जाए। अब ये 16 क्या पता चल गया, ये विकर्ण पता चल गया, विकर्ण पता चला कि नहीं, बिल्कुल चला। अब वर्ग का जब विकर्ण पता चल गया तो इसे इजी वे में अब निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि भाई इसका जो है एक इसका भुजा निकाल लेंगे, एक का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो विकर्ण क्या होता है कि √2 में भुजा में अगर √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही तो विकर्ण, इसी के बराबर कितना दिया गया है 16 दिया गया है,
किसी के बराबर ना 16 दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। अब इसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए बराबर में कितना आ जाएगा, 16, और बटे में कितना आ जाएगा, √2। अब जो इसका क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। चलिए परिमेयकरण नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये इतना पता चल गया, ये जो है एक साइड का भुजा जो पता चल गया, कितना पता चल गया कि ये जो है 16/√2 है। और क्षेत्रफल क्या है इसका, क्षेत्रफल नहीं तो निकालना है, क्षेत्रफल नहीं तो निकालना। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी ए इंटू ए कर देते हैं, 16/√2 गुना में 16/√2। अब इससे निकालेंगे ये कितना हो जाएगा, और 256 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसे जब काटेंगे तो ये काट कट के कितना हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, क्लियर है कि नहीं, ये चीज़ें क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल है, सिंपल सी चीज़ है। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का, है ना। और वर्क के जितने भी प्रश्न आप करेंगे, सारा प्रश्न आपका सॉल्व होगा, है ना। और कुछ मुझे लगता है कुछ एक दो टॉपिक अगर छूट भी गया है तो उसे आगे की वीडियो में जो है कवर कर लेंगे, है ना। तो कीजिए, आप पेपर निकालिए, आप जो है कोई भी प्रश्न निकालिए, वर्क कर कीजिए, आपका कोई प्रश्न नहीं रुकने वाला है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। लगभग लगभग आप प्रश्न, वो अलग बात है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हो सकता है नहीं कर पाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कौन सा टॉपिक जो है, किस प्रकार टॉपिक जो छूटा हुआ है उसे करने की करवाने की क्लियर जो है पूरा कोशिश करूँगा, है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है 10 नंबर का। देखिए अगला प्रश्न है, 60 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों तरफ बाहर की और एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो राष्ट्रीय का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा, सिंपल सा है ना। तो देखिए क्या है कि एक जो है 60 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है, तो बना लेते हैं। ये वर्ग है, इसका भुजा कितना है, ये भुजा कितना है, 60 सेंटीमीटर है। कहीं भी नीचे ऊपर लिख लेते हैं, हल्का सा नीचे लिख लेते हैं, क्लियर होगा, क्योंकि फिर रास्ता भी तो बनाना है। 7 सेंटीमीटर इसका भुजा है, और उसके बाद क्या है कि 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। इसमें जो है 10 मीटर चौड़ा जो है रास्ता बनाया जाता है, यानी कुछ इस प्रकार से, ये मान के चलिए, ये जो है बाहर की ओर जो है इस प्रकार से रास्ता बनाया गया है। अरे यार, चलिए समझने की कोशिश करेंगे हल्का सा। इस प्रकार से जो है यह रास्ते रास्ता है, इस प्रकार से बनाया गया है ना। और इसकी जो चौड़ाई जो दिया गया, कितना दिया गया, यह जो है चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये चौड़ाई जो रास्ते कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पूछा गया है कि रास्ते का क्षेत्रफल, यानी जो ये वाला रास्ता है ये इसका क्षेत्रफल। अब यहाँ से देखिए, ये एक छोटा वाला वर्ग बन रहा है, और ऊपर में देखिए जो है बड़ा वाला वर्ग बन रहा है। अगर ये बड़े वाले वर्ग में से अगर छोटे वाले वर्ग को बाहर कर दे तो क्या बचेगा, यहाँ रास्ता ही तो बचेगा, और यही चीज हमको चाहिए है, बिल्कुल चाहिए। अब देखिए छोटे वाले का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी एक ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो, ये भी, और ये भी 60 हो जाएगा। तो 60 गुनी में 60 कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 3600 हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात बड़े वाले की, अब देखिए 10 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता, कहने का मतलब अगर यहाँ से इसकी चौड़ाई कितना, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इधर चौड़ा हो जाएगा, और 10 सेंटीमीटर इस साइड हो जाएगा। फिर इधर देखिए, इधर ये भी 10 चौड़ा हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, तो टोटल कितना, 10 इधर 12, 10 इधर 12 कितना, 20 हो जाएगा। ये कहने का मतलब, अब जो बाहर वाले जो वर्ग का भुजा आ जाएगा कितना का, 10 20 10 और 10 20, और पहले था कितना, इतना सा छोटा सा 7 है, और 10 10 बारह 20 बारह कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब ये 80, तो ये भी 80, ये भी 80, ये भी 80, बताओ भाई। अब बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, 80 गुनी 80 कितना हो जाएगा, 6400, 6400 होगा कि नहीं, चेक काट लेते हैं, 6400, ठीक है। अगर मैंने क्या कहा था कि बड़े वाले में अगर छोटे वाले को, बड़े वाले क्षेत्रफल, छोटे वाले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, रास्ता ही तो बचेगा, तो निकाल लेते हैं, कितना इसे घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, 2800,
बता, कोई दिक्कत है? सिंपल है, चलिए जिसको नहीं समझ में आएगा तो वो कमेंट करके जरूर बताएंगे, है ना। और आप लोग अगर वीडियो को शेयर करते हैं और आप लोग को समझ में आएगा चीज़ें, अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, अगर कुछ ज़्यादा व्यूज आया तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे की पार्ट जो है, आगे की पार्ट में हम लोग जो है शायद रेक्टेंगल यानी जो है आयत को करने वाले हैं, और देखते हैं कुछ अच्छा, अगर अच्छा खासा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग जाता है, क्योंकि पहले तो PDF बनाना होता है और फिर तकरीबन 1 घंटे का वीडियो हो जाता है, तो मेहनत तो लगता ही है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो फिर देखते हैं रेक्टेंगल आगे लेके आएंगे, उसी प्रकार से जितने भी टॉपिक है सारे कराए जाएंगे, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए।